गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। ये है माइनक्राफ्ट पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं माइनक्राफ्ट पार्ट 8। आज के वीडियो में हमें बहुत काम करना है। पहले मैं कुछ मेरा सामान ले लेता हूँ। आज हमें इंचेंटमेंट भी हमारा बहुत सारा सामान करना है और हमें डायमंड का आर्मर भी बनाना है, इसलिए हमको माइनिंग भी करना है। इसलिए मैं सारा सामान ले लेता हूँ माइनिंग का। जो भी सामान है वो मैं ले लेता हूँ। पहले मैं ये कलेक्ट कर लेता हूँ। और चलो, ये मैंने दो नेदर की स्वॉर्ड भी ले ली है और इसको हम क्राफ्टिंग टेबल पर रखकर इसके अब पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे दो रखनी है। ये देखो, आपको ये इंचेंटमेंट वाली नहीं, पर ये पूरी आपको मिल जाएगी। अब आप, मैं माइनिंग पर चलता हूँ और मैं टॉर्च भी ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टॉर्च है। इसलिए मैं यहाँ से टॉर्च और थोड़ी सी स्टिक भी ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पर कोल मिलेगा तो मैं वहाँ पर ही बना लूँगा। इसलिए मैंने यहाँ से बार वुड भी ले ली है और जल्दी से मैं माइनिंग पर चला जाता हूँ। और अब चलो, मैं जल्दी से चला जाता हूँ नीचे। हम हमारी माइन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम जल्दी से हमारी केव में चले जाते हैं। और मैंने यहाँ पर माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर मुझे आयरन भी मिल चुका था, इसलिए मैंने यहाँ से ही माइनिंग की शुरुआत कर दी थी। और चलो, मिलते हैं डायमंड मिलने के बाद। और भाई, यहाँ पर देखो, मुझे डायमंड मिल चुके हैं और ये क्या ही ओपी बात हो चुकी है। यहाँ पर ही हमको डायमंड मिल चुके हैं। कितने सारे हैं? 9 डायमंड मिल चुके हैं। और यहाँ से मैंने ये ढक दे। और यहाँ से मैं कितना दूर आ चुका हूँ, फिर भी मुझे डायमंड नहीं मिले। मैं माइंड करता ही जाऊँगा जब तक डायमंड नहीं मिलेंगे। हमको पूरा सूट भी तैयार करना है ना, इसलिए। ओ भाई, यहाँ पर से मुझे फिर से डायमंड मिल चुके हैं। यहाँ पर से कितने डायमंड है, और मुझे बहुत दूरी पर डायमंड मिले हैं। वो देखो कहाँ तक मैंने माइनिंग की और यहाँ पर मुझे डायमंड मिला है। आप ये सोच रहे होगे, तूने ये क्रिएटिव मोड में ऐसे डायमंड ले लिए हैं? नहीं भाई, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो, ये प्रूफ है कि वो आ रहा नहीं है मुझे, इसलिए ये प्रूफ है, मेरा प्रूफ है। वरना यहाँ पर वो टैग डालना आता है, इसलिए आपने क्रिएटिव मोड किया है तो वो टैग डालना आता है। तो चलो, मिलते हैं फिर से डायमंड मिलने के बाद। और यहाँ पर से लावा भी आ चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनिंग करना बंद कर दिया है। इसलिए मैं दूसरी जगह पर माइनिंग करूँगा। देखो कितनी दूरी पर है। और ये मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैं माइनिंग स्टार्ट करूँगा। और यहाँ से मैं ये ब्लॉक रख दूँगा क्योंकि जगह अच्छी बन जाए। और यहाँ से भी कर दूँगा क्योंकि अच्छा बन जाए, इसलिए। और माइनिंग करते करते मुझे लेपिस लजुली भी मिल चुकी है, वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत सारी है यहाँ पर, तो ये मैं कलेक्ट करूँगा ही। और ये रही दूसरी भी, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। ये टॉर्च भी मेरे से निकल गई है। और यहाँ पर भी थी, मेरे को पता है कि यहाँ पर थी। और यहाँ पर तो नहीं है। और अब हम आगे का काम करते हैं। और यहाँ पर मुझे गोल्ड भी मिल चुका है, और ये भी मैं कलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर मुझे कितना सारा गोल्ड मिल चुका है। और आप ये मत सोचना कि मैंने क्रिएटिव मोड किया है, तो ये गलत है। मैं वापस घर पर जा रहा हूँ, रख कर आऊंगा, क्योंकि वहां पर लावा भी था, इसलिए।
पर भी मुझे डायमंड मिल चुके हैं, कितने सारे, 4 डायमंड फिर से मिल चुके हैं। हमारी आज किस्मत अच्छी है इसलिए। और यहाँ पर से मैं अलर्ट हटा रहा था और मुझे मिल चुके हैं डायमंड। और भाई यहाँ पर फिर से डायमंड मिल चुके हैं हमको, ये भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और बस इतना ही हमको डायमंड चाहिए था, वो मैं ले लेता हूँ, फिर बाद में घर पर चला जाता हूँ। और अब मैं चलता हूँ घर पर और हम आर्मर बना लेते हैं। ये हमारा पहला हेलमेट, ये चेस्ट प्लेट, और ये हमारा पैंट, और ये हमारा बूट। और अभी भी हमको 5 डायमंड मिल चुके हैं, रखे हैं, ये मैं संभाल कर रख देता हूँ। और ये हमारी पिकेक्स को भी वहाँ पर रख देता हूँ। और अब चलते हैं इंचेंटमेंट हमारा आर्मर करने के लिए। ये मैं सोड भी ले लेता हूँ, ये नेदर राइट की, और हमें लैपिस लाजुली तो भी लेनी है ना, इसलिए यहाँ से मैं लैपिस लाजुली भी ले लेता हूँ। और ये रही हमारी लैपिस लाजुली, और ये हम चले नीचे, और यहाँ पर हमारा ये रखकर, और ये इसमें फायर प्रोटेक्शन, और ये मैंने ले लिया है अनब्रेकिंग। और हेलमेट पर हमको प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ये हम ले लेते हैं दूसरा वाला हेलमेट। और ये पैंट में भी हम वो भी ये ही लेंगे, प्रोजेक्शन प्रोटेक्शन। और ये डायमंड वाले में तो प्रोटेक्शन, और यहाँ पर यहाँ पर प्रोटेक्शन, यहाँ पर फेदर फॉलिंग, तो हम फेदर फॉलिंग ले लेंगे। और ये हमारी स्वॉर्ड पर क्या मिलता है ये भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर शार्पनेस, फायर एक्सप्रेस, अनब्रेकिंग, मैं फायर एक्सप्रेस ही लूँगा। इसके लिए हमारे पास लेवल नहीं है, इसलिए मैंने ये ले लिया। और अब चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर मैं अपनी ये डायमंड की स्वॉर्ड रख देता हूँ। ये हमारी नेदर राइट वाली रखेंगे अब, क्योंकि हमारे पास नेदर राइट वाली भी आ चुकी है। और ये लैपिस लाजुली यहाँ पर रख देता हूँ। और ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक करके, और ये हमारा आर्मर पहन लेता हूँ। ये देखो अब मैं कैसा लग रहा हूँ। और ये मेरा पुराना आर्मर को यहाँ पर रख देता हूँ। और अब हमारे पास थोड़ी सी, हम ये बुक भी इंचेंटमेंट करने वाले हैं, और हमारे पास लेवल भी नहीं है, इसलिए मैं आज की रात जागने वाला हूँ। इसलिए मैं पूरा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ पहले में। और ये मैंने सारा सामान ले लिया है, और अब रात होने का इंतज़ार है। और ये रात भी हो चुकी है, और अब ज़ॉम्बी भी आ गए, और चलो अब करेंगे फाइट। चलो जल्दी से ज़ॉम्बी आ जाते हैं। और ये एंडरमैन आ चुका है, इसको मैं मार डालूँगा आज। आज तो मैं इसको मार ही दूंगा। इसके पास से हमें एंडर पर भी लेनी है। कहाँ पर गया वो एंडरमैन? और ये ज़ॉम्बी भी आ चुका है, इसको मैंने मार डाला। और ये एंडरमैन को भी मैं मारूंगा, जल्दी से मैं मार डाला। और ये भाई मुझको एंडर पर पहली एंडरमैन मुझको मिल चुकी है। और ये क्रीपर भी है यहाँ पर, इसको मैं मार डालूंगा। इसको अब 2 ही हिट लगेंगे और ये मर चुका है। अब ये मकड़ी पर बैठकर स्कैनेटन भी आ चुका है, इसको भी मैं मार डालता हूँ। ये बहुत परेशान करता है ये, इसको भी मैं मार डालता हूँ। और ये भी मर चुका है भाई। ये दूसरा एंडरमैन भी आ चुका है, इसको भी मैं अब मारूंगा। और ये क्रीपर, और ये एंडरमैन कहाँ पर चला गया, इसको भी मैं मारूंगा पहले वो एंडरमैन को। और इसकी आंखों पर देखने से वो हमें मारता है, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और ये एंडरमैन को लग ही नहीं रही है। ये एंडरमैन दूर परा मिल चुका, और इसने एंडर पल ही नहीं दी। क्या हमारी किस्मत खूटी हुई है यार, हमको एंडरमैन ने एंडर पल भी नहीं दिया। ये दोनों हमें मार दिया।
और मैंने सारे ज़ोंबी को मार दिया, और ये सुबह भी हो चुकी है और जो भी ज़ोंबी थे इसको मैंने मार दिया। और मैं 2-3 बार मर भी गया था, वहाँ पर विच आए थे 3-3, इसको मैंने 2 बार इसने मुझे मार डाला था, इसलिए मैं 2 बार मर गया और वापस से मेरे से क्रीपर मेरे पास फट गया था। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं बहुत ही अच्छा भी दिख रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं एडवेंचर भी करने वाला हूँ। तो टेक केयर एंड बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.